हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 203 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले 202 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और साथ ही साथ इस एपिसोड को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 202। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर गोहान जा रहा है एंजेला के साथ डेट के ऊपर, जहाँ जाने के बाद बीच में एक बिल्डिंग को आग लगने की वजह से वो उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पहले से ही वहाँ विडेल मौजूद है, जो कि उस टंकी को खोलकर उसका पानी उस पूरे बिल्डिंग के ऊपर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो जमीन खिसकने की वजह से वो टंकी ही विडेल के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी वहाँ गोहान पहुँच जाता है सयामैन बनकर, जो कि उसे रोक देता है और उस टंकी को छेद कर उस बिल्डिंग की पूरी आग भी बुझा देता है, जहाँ वो खुश है और दो उंगली करके विक्ट्री का साइन भी दिखा रहा है, जहाँ पर विडेल यही सोच रही है कि इस मास्क के पीछे आखिरकार बंदा कौन है। अब गोहान को वहाँ से छुपते छुपाते हुए निकलना है, इसलिए वो कैसे तो करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन विडेल उसको देख लेती है, जहाँ पर विडेल उसको आवाज देती है कि हे गोहान, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे, जिसको शक आ चुका है। ये देखकर थोड़ा सा पैनिक करता है गोहान, और उसकी जो ये डेट थी आज की वो भी स्पॉइल हो चुकी है और जो एंजेला वो भी उसको छोड़ के जा चुकी है। अब इधर विडेल जो है वो सोच रही है कि आखिरकार गोहान में कुछ तो गलत बात है, जो कि मैं जान के ही रहूंगी। इतना कहकर इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि जल्दी निकल चुका है गोहान, जिसके पीछे गोटन आने लगता है फ्लाइंग निम्बस पर बैठकर, जो कि कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गोहान स्कूल आ सकता हूँ, मैं तुम्हारा स्कूल भी देख लूंगा। जहाँ पर गोहान कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुम आने के बाद वहाँ के लोग पैनिक कर जाएंगे और मुझे तुम्हारा ध्यान भी रखना होगा। इससे अच्छा तुम मॉम का ख्याल रखो और तुम आराम करो, और फिर मैं कभी तुम्हें लेके जाऊंगा। जहाँ गोटन कहता है कि ठीक है, बाय कहकर इधर अपना सयामैन गोहान उड़ चुका है, जो कि रास्ते में ही कहता है कि मैं बहुत जल्दी जा तो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, जो कि सोच ही रहा है तभी वो साइड में देखता है, जहाँ विडेल का हेलीकॉप्टर विडेल के साथ हमें देखने को मिलता है, जो कि देख लेती है इसे और फिर इसका पीछा करने लग जाती है। अब गोहान कहता है अरे नहीं, इसने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा, जो कि सोच रहा है इधर उधर से भाग रहा है और देखते ही देखते पूरे सिटी से भागते हुए नजर आता है, जहां लोग भी थोड़े से पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी रोड के ऊपर से गुजरता है। तभी वो कहता है कि ये लड़की तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, वो कैसे तो करके भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग ही नहीं पाता, उसके पीछे कंटिन्यू ये लगी पड़ी है, जो कि जाकर रुक जाता है और कहता है कि अब यही करना होगा, जो कि हाथ आगे दिखाता है और सीधा ही गायब हो जाता है, जिसको देखकर विडेल अपना ब्रेक भी दबाती है। अब विडेल वो सोच रही है कि ये लड़का आखिरकार कहाँ पर गया। तभी हम देखते हैं कि गोहान जो है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, जो कि सोच रहा है, तभी वहाँ पर आ जाती है ये विडेल, जो कि अपना हेलीकॉप्टर उतारती है और कहती है कि तुम इस मास्क के पीछे किसका नकाब छुपाए हुए हो, जरा मुझे तो दिखाओ, मुझे देखना है आखिरकार तुम कौन हो। जहाँ वो दूर जाता है और वो थोड़ा सा अपनी एक्शन करता है और कहता है कि मैं हूँ सयामैन। जहाँ विडेल कहती है कि मुझे ये नहीं सुनना है, तुम एक्चुअल में कौन हो ये मुझे जानना है, इस मास्क के पीछे कौन है ये तो मैं जान के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पर अभी ये सयामैन उड़ता है और सीधा ही हेलीकॉप्टर उठा के बिल्डिंग के ऊपर रख देता है, जो कि कहता है कि सॉरी इसके लिए विडेल, लेकिन हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अलविदा, और वहाँ से वो उड़ जाता है। अब विडेल कह रही है कि कुछ भी हो जाए, मैं तो ये पता लगा कर ही रहूंगी कि इस मास्क के पीछे आखिरकार कौन हो सकता है। अब हम देखते हैं विडेल को देर हो चुकी है, जहाँ पर टीचर कहते हैं कि विडेल कोई बात नहीं है, अक्सर हो जाता है, तुम दुनिया को जो बचाने जाती हो, जहाँ पर ये आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ गोहान चौक उठता है और किताब के अंदर अपना मुंह घुसेड देता है, जो कि सिर्फ किताब पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है। तभी वहाँ पर इरेस कहती है कि तुम दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, तुम आखिरकार कहाँ पर जाते हो घूमने के लिए, क्योंकि गोहान भी लेट आया है और तुम भी लेट आई हो। जहाँ वो चौक जाती है, क्या गोहान भी लेट आया है, जहाँ उसे शक होने तो लग ही जाता है। तभी हम देखते हैं सेटन के घर के अंदर, जो कि न्यूज चैनल देख रहा है, जहाँ न्यूज पर इस सयामैन की ही बात चल रही है, जहाँ वो हंसता है और कहता है कि ये तो एक जोकर ही लग रहा है, मेरे तो पिद्दी से हाथ से ही मर जाएगा ये, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब गोहान रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी रैश ड्राइविंग करते हुए एक कार आने लगती है, जिसका पीछा कर रही है पुलिस की कार, जिसको साइड फेंक देते हैं उन्हीं में बैठे हुए दो लोग, जो कि हंसने भी लगते हैं, जिससे कार को आग भी लगती
चुकी है। अब ये देखने के बाद वो दोनों ही रुकते हैं और वो देख रहे हैं कि इतने ज्यादा पिद्दी से लोग हैं यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा जल्दी हार भी मान जाते हैं, तो इस सिटी के ऊपर राज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे बॉस के लिए। तभी वहाँ आ जाता है गोहान जो कि कहता है कि हे दोस्तों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है अब। जहाँ ये दोनों ही कहते हैं कि ऐसा तुम्हें ये बड़ी बात लग रही है, अभी हम दिखाते हैं बड़ी बात कौन सी होने वाली है। जहाँ एक बंदा गोहान को उठाता है और उसके फेस के ऊपर मुक्का दे मारता है। ये देख रही होती है विडेल। जैसे ही वो पीछे देखता है और विडेल कहता है, उतने ही देर में उसको मुक्का लग जाता है। ये देखकर विडेल आती है, उस आदमी को फेंक देती है दूर और वहां पर गोहान को उठाने लगती है और कहती है कि गोहान, तुम्हारा फेस तो दिखाना इधर। जहां गोहान उसकी तरफ फेस दिखाता है, जहां वो शॉक हो चुकी है क्योंकि उसके फेस के ऊपर ना दाग है, ना धब्बा है, ना खून आ रहा है। जहां गोहान कहता है कि शायद से आज मेरा लकी डे है, इस वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो हंसने लगा है। अब हम देखते हैं ये दो लोग जा रहे हैं गाड़ी से आगे बढ़ते हुए, जहां पर वो बंदा कहता है जो कि गाड़ी चला रहा है कि भाई एक्चुअल में वो सैतान की लड़की थी जिसको किडनैप कर लेना चाहिए हमें, या फिर उसको मार देना चाहिए, तभी हम इस सिटी के ऊपर राज कर सकेंगे। जहाँ ये आदमी कहता है कि मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिसे मैंने हाथ मारा था ना सुबह मुक्का, वो एक्चुअल में पत्थर का बना था, ऐसा मेरे हाथ को अभी भी महसूस हो रहा है। अब हम देखते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर इरेज और विडेल की बात चल रही है, जहाँ पर ये दोनों ही बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि आखिरकार वो कौन है ये नहीं पता। तभी वहाँ उसकी घड़ी बजती है, जहाँ वो पूछती है कि हाँ पुलिस ऑफिसर, क्या हुआ है बताओ। जहाँ वो कहता है कि इस शहर के मेयर को गुंडों ने घेर लिया है जो कि मारने की चेतावनी दे रहे हैं। तभी गोहान की भी नजर उसकी तरफ जाती है। अब हम देखते हैं कि मेयर को पकड़ लिया है उन्हीं दो गुंडों ने, जो गुंडे इसके पहले हमें देखने को मिले थे, जो कि कह रहे हैं कि मिस्टर सैतान को जल्दी बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे मेयर को जान से हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ पर मेरे बॉस को उससे लड़ना है, जहाँ उसे चुनौती देनी है ताकि वो उसे हरा सके और इस शहर पर राज कर सके। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा आदमी आता है और कहता है कि जल्दी बुलाओ सैतान को, नहीं तो इसको मार डालो। तभी ये जो चमचा है उसका, वो कहता है कि एक्चुअल में आप बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हो, जिस वजह से आप किसी को भी हरा सकते हो। काश मैं बचपन में ही आपको मिलता ताकि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर बन जाता। जहाँ वो कहता है कि ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, नेक्स्ट मेयर मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। तभी वहा कहता है कि एक नजारा तो दिखाओ इन लोगों को इतना लेट करने की वजह से। जहाँ एक मिसाइल छोड़ देता है, जहाँ पर ये जो पुलिस की कार है वो फट जाती है। अब इधर पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं कि सैतान कोई जवाब ही नहीं दे रहे, उनके घर पे भी ताला लगा है, जहाँ पर मैं गया था उन्हें आवाज देने के लिए, लेकिन वो है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि ये हरक्यूल सैतान छुप के बैठा हुआ है अपने ऊपर वाले कमरे में, जो कि टीवी पर देख रहा है और कह रहा है कि उन लोगों ने एक्चुअल में सेल को बचाने में मेरी मदद की थी, लेकिन अब वो कहाँ पर छुपे हुए है, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। आए गए नथु कहरे से मैं आए दिन अगर लड़ता रहा तो मेरा तो कोई रुतबा ही नहीं रहेगा। जहाँ वो सोच रहा है तभी वहाँ पर विडेल खड़ी हो जाती है, जो कि कहती है कि मुझे जाना होगा। जहाँ विडेल चली जाती है, जहाँ टीचर उसे हामी भी भर देती है। तभी इधर गोहान उठता है और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन टीचर कहती है कि नहीं, तुम जाते हो तो फिर पूरी क्लास में तुम आते ही नहीं हो वापस, तो तुम आज नहीं जा सकते। जहाँ इरेज कहती है कि गोहान आज तुम्हें रोकनी होगी, जहाँ वो बैठा हुआ है। इधर अभी गले के ऊपर चाकू रखने की वजह से मेयर नीचे बैठ चुका है, जो कि सोच रहा है। तभी वहाँ ये लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आकर नीचे उतर चुका है, तो ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश है कि एक्चुअल में सैतान आ चुका है, लेकिन सैतान नहीं आता, उसकी बेटी विडेल आ चुकी है। जहाँ ये दोनों पंटर कहते हैं कि मैं इसी की बात कर रहा था, जो कि सैतान की बेटी है। जहाँ ये कहता है कि ठीक है, इससे ही लड़ना होगा तो इससे ही सही। जहाँ वो आगे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ मुझसे लड़ने की। जहाँ पर विडेल कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़ना चालू करती है। अब इधर गोहान बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, जो कि इस जगह को सोच रहा है। जहाँ वो कहता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो गुंडे मिले थे उनसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जहाँ विडेल उनका सामना नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा कुछ भी करके। जहाँ पैनिक होने की वजह से गोहान के पैर हिल रहे हैं और वो अपना पैर जोर जोर से हिला रहा है और जमीन पर दे भी मार रहा है, जिससे पूरा स्कूल हिलने लगता है। तो टीचर कहती है कि सिर के ऊपर हाथ रखो, टेबल के नीचे झुक जाओ, क्योंकि ये भूकंप है। जहाँ गोहान कहता है कि अरे वाह, यही मौका है। जहाँ वो उड़ जाता है सीधा ही टेरिस से इस जगह की तरफ। जहाँ हम देखते हैं विडेल अभी भी उस आदमी से लड़ रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। तभी वहाँ पर ये हमलावर कंटिन्यू उसकी तरफ गोलियां चला देते हैं, जिससे विडेल पीछे जाकर गिर जाती है। अब पीछे गिरने की वजह से ये आदमी उसे मुक्का भी मार देता है। तभी वहाँ आ चुका है हमारा सेयामैन, जो कि खड़ा है और कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, अब मेरी सुनो। तभी वो पीछे से आदमी उसकी तरफ
गन कर देता है, जहां ये सियामैन अपनी दो उंगली से उस गन का नोजल ही बैकवर्ड साइड में घुमा देता है और कहता है कि तुम हमसे दूर रहो। तभी सामने से आवाज आती है, तुम कौन हो? जहां वो कहता है कि मैं हूँ सियामैन। ये देखकर विडेल भी शॉक में है, जो कि कहती है कि मैंने तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाया था, मैं मेरी मदद खुद कर सकती हूँ। जहां गोहान कहता है यानी सियामैन कि सॉरी सुबह के लिए, लेकिन अभी तो लड़ने दो। जहां विडेल कहती है कि नहीं, मैं ये हैंडल कर सकती हूँ। जहां पुलिस ऑफिसर का भी यही मानना है कि ये जो सियामैन है ये इंटरफेयर कर रहा है बहुत ही ज्यादा। तभी वहां पर वो आदमी कहता है कि इस बकबकिए को मार दो अभी। जहां वो मारने की कोशिश करता है तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सियामैन उन दोनों लोगों को दूर फेंक देता है और साइड से उसकी तरफ एक मिसाइल आ जाती है, जिस मिसाइल को वो अपने हाथ से रोकता है और उसे पीछे उसी आदमी की तरफ जाकर फेंक देता है, जो कि वहां ब्लास्ट भी हो जाती है। इधर वो मेयर को कहता है कि मेयर आप ठीक हो? जहां मेयर कहते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। अब इधर बॉम्ब फटने की वजह से ये सियामैन कहता है थोड़ा सा ध्यान रख कर चलाया करो, अपने ऊपर ही मत दाग लिया करो। तभी वहां विडेल लड़ती है अच्छे से, वो एक्चुअल में उसके अंदर ही जकड़ जाती है, जहां उसकी ये चाल होती है जो अपने दोनों हाथों से उसे मारती है और नीचे गिरा भी देती है। जहां ये देखकर सियामैन यानी गोहान बहुत ज्यादा शॉक में है, जो कि कहता है कि वाकई में विडेल को मेरी जरूरत ही नहीं थी। जहां वो ये बात विडेल से भी कहता है, लेकिन विडेल उसे थैंक्स कहती है और वो उड़ जाता है। जहां पर विडेल कहती भी है कि तुम आखिरकार कौन हो, ये मैं कुछ भी करके पता तो लगा के ही रखूंगी। तभी अब हम देखते हैं ये लोग एक्चुअल में स्कूल खत्म होने के बाद जा रहे हैं, जहां इरेज उसे बताती है कि तुम जैसे ही चली गई थी उससे कुछ ही टाइम बाद भूकंप आया था, जिसके बाद गोहान भी गायब हो चुका था। तुम दोनों के बीच आखिरकार चल क्या रहा है? जहां वो शॉक में भी है, जो कि पीछे देखती है, जहां गोहान पीछे अभी तक चलने आ रहा था लेकिन वो गायब हो चुका है, जो कि अभी डस्टबिन के पीछे छुप कर बैठा है और ये इनकी बातें सुन रहा है। जहां विडेल का दोस्त उसे कहता है कि वो नौसिखिया है, उसकी क्या फिकर करना, जाने दो। जहां विडेल कहती है कि नहीं, वो तुमसे भी ज्यादा शातिर है, ये बात मुझे पता है। ये सुनकर गोहान खुश है और गोहान उड़ चुका है। और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड हुआ है दोस्तों। आगे आने वाले एपिसोड में हमें क्या जानने को मिलेगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।